हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में फीस माफी को लेकर पिछले 29 दिनों से पार्षदों और अभिभावकों का धरना और अनशन चल रहा है, जिसके तहत आज अनशन पर बैठे लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को जगाना चाहा। स्थानीय पार्षद व अभिभावकों द्वारा लगातार किए जा रहे आंदोलन में सभी की एक सूत्री मांग है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए हैं, लिहाजा अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा करने में भारी परेशानी है। सरकार को तत्काल बच्चों की फीस माफ करनी चाहिए। अगर सरकार ने फीस माफी के विषय में कोई कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। हमारी यही मांग है, हम लगातार 3 दिन से बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें क्रमवार भूख हड़ताल चल रही है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार है किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो एक कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। तमाम लोग हमारे जनप्रतिनिधि इस मामले में लगे हुए हैं, तमाम समाजसेवी इस मामले में लगे हुए हैं। आज हमने भैंस के आगे इसलिए बीन बजाई क्योंकि लगातार हमने कई प्रदर्शन करे लेकिन मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है, वो राज्य सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, शायद उनको इस भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ अक्ल आ जाए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि माननीयवर, हमारी जो मांग है इसको तत्काल पूरा कीजिए। लॉकडाउन में लोगों की कमर टूट चुकी है, फीस इनकी माफ़ की जाए। अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम जो है इसी तरह रोडों पर आते जाएंगे और तब भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करेंगे। धन्यवाद।